نحمده ونسلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب الاولين والاخرين الحمد لله الذي خلق السماوات والارض بالحق وجعل الظلمات والنور अल्हमदल्लास्त तबा अला अरशी ही अल्हमदल्ला ही कमायम बगी लहू लहू अहमदफिल वलआरा वहू वल्ख़बीर तमाम तारीफ़ अल्ला रबालमीन के लिए है तमाम तारीफ़ अल्ला रब्लम के लिए है जो रबलिन आखिरन का तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने आसमानों और ज़मीन को हक़ के साथ पैदा किया और अंधेरे और रोशनी बनाए अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ़ है अल्लाह की शुक्र है उस अल्लाह का जो अपने अर्श पर मुस्तबी है और तारीफ है उस अल्लाह की जैसा कि उसके शान शान है जैसा कि उसने खुद चाहा और उसी के लिए हमद है फिल उला वल आखिरा, शुरू में भी और आखिर में भी और वो बहुत हमत वाला और बहुत बाखबर है يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية وطعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعاني فليستجيبوا لي يَرْشُدُونَ इनशाला आज हम रमजान के हवाले से कुछ और नई बातें पढ़ेंगे रमजान का महीना शहरुत तकवा भी है यानी तकवा का महीना है और रोजे का तो असल मकसद ही तकवा حصول है जैसा कि हमने कल भी पढ़ा था या अयोहदीना आ मनु कुई कम सियाम कमा कुतिबादी कुम लुम तत्तकुन ईमान वालो तुम पर रोजे फ़र्ज किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ और तकवा ही जन्नत की कुंजी है और अलैहि वसल्लम ने फरमाया अ तकवा दिल की तरफ तीन मरतबा इशारा करके आपने फरमाया तकवा यहाँ है यानी तकवा दिल की एक कैफियत है तो इससे क्या बात पता चलती है कि आपका रोज़ा रखना जो कि बज़ाहिर एक फिजिकल रिचुअल है वो आपके दिल पर जाके असरअंदाज होता है वो आपके दिल को तब्दील करता है वो आपके दिल को उस फितरत के करीब लाता है जिस पर कि अल्लाह तला ने आपको और मुझे तख्लीक किया है सुलहजा ये इबादत हमें फ़ितरत के करीब करती हैं हमें अपने खालिक के करीब करती हैं और हमारी तख्लीक का जो मकसद है उसको पूरा करती हैं खलक अल अदी ख़लमऊतलख़यातबलबुम अय्युकुम अल्लाह अल्लाबहान व वो हस्ती है कि जिसने ज़िंदगी और मौत को बनाया ताकि वो हमें आजमाए कि हम में से कौन बेहतरीन अमल करता है और आसन अमल तकवा के बगैर नहीं हो सकता और तकवा हमारी इबादात के बग़ैर हमें नहीं मिल सकता हज के बारे में भी अल्लाह सुबहन क्या फरमाते हैं फिन नजाद तकवा जब आप चल रहे हों हज के लिए तो सारे साजो सामान हो रहे होते हैं लेकिन ये याद रखना चाहिए कि बेहतरीन ज्यादे राह तकवा है तकवा ना हुआ और सिर्फ फिजिकल रिचुअल हुए तो हमारा खसारा है इसमें तकवा के मानी है बचना रोजे की हालत में सिर्फ खाने पीने से ही परहेज काफी नहीं बल्कि हर किस्म के गुनाहों से बचना भी ज़रूरी है रोजे की हालत में अगर हम हलाल खाने पीने से परहेज़ करते हैं तो हराम और ममनुआ काम हती के बुरे ख्याल नेगेटिव सोचें बदगुमानियाँ झूठ चुगली गिब्बत लड़ाई सब कुछ उसकी परहेज़ भी हम पर लाजिम है खाना पीना जाहिर है इंसान को बड़ा एक पसंदीदा इंसान का मशगला है और उस पर कंट्रोल करना उसकी ख़्वाहिश हो जाए तो उस पर कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल होता है लेकिन रोज़े में भूख का तजर्बा इंसान के अंदर ऐसी कुत पैदा कर देता है कि वो इस काबिल हो सके कि वो अल्लाह की खातिर अपने दीगर मनफी जज्बात को भी कंट्रोल कर सके लिहाजा ये एक बड़ी रिगरस ट्रेनिंग वर्कशॉप है सेल्फ़ कंट्रोल की जो हमें हर साल करवाई जाती है अबू हुरैरा हरे रदीला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा सिर्फ खाना पीना छोड़ने का नाम नहीं है बल्कि रोज़ा तो लफ् यानी हर बेफायदा और बेहुदा काम और रफस यानी जिनसी ख्वाहिशात पर मबनी हरक़त और कलाम से बचने का नाम है लिहाजा अगर कोई तुम्हें दौरान रोज़ा गाली दे या जहालत की बातें करे तो उसे कह दो इन्नी साइम इन्नी साइम मैं रोज़ेदार हूँ मैं रोज़ेदार हूँ अब आप देखें कि इसमें लगवियात से जो बचेगा तो वह अपने वक्त को ज़ाया करने से बचाएगा वो दरअसल अपने वक्त के जिया से बचता है फिर इसी तरह से रफ़ से जो बचा वह दरअसल अपनी एक फितरी जिस्मानी ख्वाहिश से बचता है और इसी तरह से कोई अगर गाली दे और जहालत की बात करे तो उसको कह देता है कि मैं रोज़े से हूँ यानी सब्र करता है अपनी इज्जत को भी जो है वो दाव पर लगा देता है कि जवाब तो बिल्कुल देना ही नहीं है और ये जो है ना इन्नी साइम इन्नी साइम ये दोनों तरह से हो सकता है ये लड़ने वाले को भी कहा जा सकता है कि देखो मैं रोजे से हूँ अभी मैं बात नहीं करूंगी बाद में बात कर लेंगे इसके बारे में और फिर वो बात जो है उस वक्त तक वैसे ही मामला ठंडा हो चुका होता है और थोड़ा सा टाइम आप दे देते हैं उस चीज को और जो सिचुएशन है ना वो ड्यूट हो जाती है फिर इसी तरह से वो इंसान अपने आप को तलकीन भी कर सकता है अपने दिल में इन्नी साइम बात करने पे दिल कर रहा है जवाब देने पे दिल कर रहा है लेकिन वापसी इंसान कहता है अपने आप को कि तुम रोजे से हो तुमने बात नहीं करनी तुमने वापसी जवाब नहीं देना इसी तरह से वसल्लम ने फरमाया कि बाज रोजेदारों को रोजे से भूख के सिवा कुछ हासिल नहीं होता और बाज कयाम करने वालों को क्याम से बेदारी के सिवा कुछ नहीं मिलता अबू हरे रदीलानु से रवायत है कि रसोल वसलम ने फरमाया जिसने झूठ बेहुदा आमाल और बेहुदा बातों को ना छोड़ा तो अल्लाह ताली को कोई ज़रूरत नहीं कि वो शख्स खाना पीना छोड़ दे क्योंकि वो तो फिर पूरा ही नहीं हो रहा ना उसका जो मकसद है वो पूरा नहीं हो रहा और मकसद था तकवा तो तकवा तो आ नहीं रहा ना शुरू में है और न रोज़ा रखने से आ रहा है ना रोज़ा रखने से पहले था तो फिर झूठ भी बोला तकवा वाला तो झूठ नहीं बोलेगा ना बेहूदा अमाल करेगा ना बेहूदा बातें करेगा ना लड़ाई झगड़ा करेगा तो फिर खाना पीना क्यों छोड़ते हैं आप अगर आपको तकवा नहीं इख्तियार करना या वो आपको मिल नहीं रहा इसी तरह से एक और जगह अनस बिन मालिक रदीलानों से मरवी है कि रसोल्ला वसलम ने फरमाया जिसने बदजुबानी और झूठ ना छोड़ा तो अल्लाह तला को उसके खाना पीना छोड़ देने की कोई जरूरत नहीं है तो लिहाजा अपने अंदर तकवा और तवाजो और सबर जैसी सिफात अपनाएं ये है जो इंसान को दरकार है ये है जो इंसान को जन्नत के करीब करती है यही सिफात हैं तकवा तवाजो तोर शिक्र यही वो सिफात हैं कि जो इंसान से फिर वो आमाल करवा लेती हैं बड़े आसानी से कि जो उसको जन्नत के करीब और जहन्म से दूर कर देते हैं और यह याद रखना चाहिए कि हमारे जो फिज़िकल आजा हैं आंख कान दिल जबान हाथ सबका रोज़ा है और ये तकवा का एक रिक्विजिट है कि इंसान अपने आप को लगवियात से बचाए और लगवियात में टेलीफोन पर बातें कर छोड़ना वक्त गुजारने के लिए टीवी देख छोड़ना ड्रामे देख छोड़ना गेम्स खेल छोड़ना फिर इसी तरह से फेसबुक को स्क्रॉल करते चले जाना टिक को इंस्टाग्राम को नीचे से नीचे ये ऐसी एडिक्टिव चीज़ें हैं और आपको उस वक्त अपने आप को पता चल भी रहा होता है कि इसका कुछ हासिल वसूल नहीं है और उसके बावजूद आप ग्लू हुए हुए होते हैं उस स्क्रीन के साथ और आपकी उंगली जो है वो चलती चली जा रही होती है और आप स्क्रॉल डाउन करते चले जा रहे होते हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद कोई ऐसी चीज़ आ जाए कि जो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो और कभी आज तक नहीं आई बल्कि कुछ नुकसानदेह चीज़ों पर नज़र पड़ जाती है कुछ ऐसी तस्वीर पर कुछ ऐसे लिटरेचर पर नज़र पड़ जाती है कि जो आपके तज्या के लिए और आपके दिल की कैफियत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है और ये तकवाही का हिस्सा है कि इंसान हर दिन को पिछले दिन से बेहतर बनाने की कोशिश करे और सेल्फ अनैलिसिस में लगा रहे फिर मुतकी ही टूटे हुए रिश्ते भी जोड़ेगा इस महीने में खास तौर पर जो भी इतना करते हैं जितनी लापरवाही करते हैं कर लें अगर आप अल्लाह की खातिर करते हैं ना तो आपको उनकी लापरवाही की तकलीफ अगर होगी भी ना तो साथ ही आपको ये भी होगा कि अच्छा अल्लाह ताला ने मेरे मजीद दर्जात बुलंद करने का इरादा फरमाया है इनशाला तो सिला रहमी कीजिए फोन कर दीजिए ईद मुबारक कह दीजिए रमजान मुबारक कह दीजिए कोई तोहफा भेज दीजिए चाहे वापसी एक्नोलिजमेंट आए चाहे ना भी आए ये है तकवा फिर इसी तरह से लोगों के साथ मामलात भी अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के खौफ के तहत करें कि अल्लाह ताला पसंद करते हैं से लारहमी करने वाले को अल्लाह पसंद करते हैं कि जो लोगों के साथ उसने मामला करता है उसको और अल्लाह ताला ना पसंद करते हैं उस शख्स को कि जो लोगों के साथ बुरा सलूक करता है लोगों के साथ कटता है बिला वजह की कताय रहमी करता है और कत रहमी तो होती ही बिला वजह है कताय रहमी की तो इजाजत ही नहीं है कितनी भी बड़ी बात हो जाए फिर भी क़त रहमी की इजाज़त नहीं है सलाम करना सलाम का जवाब देना कोई चीज़ एक्नॉलेज करना कोई दावत पर बुलाए तो उसकी दावत को कबूल करना ये सब चीज़ें जो हैं ये उसका तकवा के जज हैं जो दिल में उसके एक बैठा हुआ ना एक फुरकान, एक क्राइटीरियन उसका जज क्या है उसका इंसान का अपना अमल ये नहीं हो सकता कि हम किसी का बुरका देख कर, या हम किसी की इवन नमाजें देख कर, जो है उसको जज कर सकें कि इसके अंदर तकवा कितना है हजरत उमर रदी अल्लाह तु फरमाया करते थे उनके सामने ालिबा किसी ने को, कोई तारीफ़ की किसी की और उसके तकवा की तो उन्होंने कहा कि क्या तुमने उसके साथ कोई मामला किया है कोई लेन देन का मामला किया है क्या तुमने उसके साथ सफ़र किया है और इस तरह के सवाल पूछे कि जिससे ये पता चले कि वो शख्स लोगों के साथ मामला कैसा करता है और अगर ये सब कुछ नहीं किया ना तो आपको कुछ पता नहीं है फिर कि कोई इंसान कैसा होगा जब उसके ऊपर वाकई कोई काम करने का वक्त आएगा तो अल्लाह ताला के लिए तीन जज्बात हैं जो इंसान के तकवा की जमानत हैं और इंसान के अपने लिए चेक है कि उसके अंदर तकवा है या नहीं नंबर वन अल्लाह से मोहब्बत नंबर टू अल्लाह का खौफ और नंबर थ्री अल्लाह से उम्मीद खौफ मोहब्बत उम्मीद और ये तीनों चीजें जो है पॉजिटिव इमोशंस हैं ऑल दो साइकोलॉजिस्ट खौफ को पॉजिटिव इमोशन नहीं कहते लेकिन अल्लाह का खौफ पॉजिटिव इमोशन ही है क्योंकि ये इंसान को अल्लाह की नाराजगी से बचाता है और अल्लाह ताला की रजा के कामों की तरफ लेकर जाता है और मोहब्बत तो सबसे जो स्ट्रांगस्ट जो इमोशन है जो जज्बा है वो मोहब्बत है और वल्लीना आमनु अशदबल्ला और जो अहले ईमान है वो तो अल्लाह की मोहब्बत में सबसे ज्यादा शदीद होते हैं उनको किसी और चीज़ से किसी और इंसान से मोहब्बत इतनी नहीं होती जितनी उनको अल्लाह सुबहान वाली से होती है और उम्मीद होप होप भी एक पॉजिटिव इमोशन है कि ये जो होपलेसनेस है और ये जो मायूसी है ये तो यही तो है कि जो इंसान को ख़ुदकुशी की तरफ भी ले जाती है हराम मौत की तरफ भी ले जाती है और उम्मीद जो है वो कहाँ तक रखनी है याकूब अलैहिस्सलाम से हम सीखेंगे कि जिन्होंने अपने बेटों को मिस्र भेजते हुए कहा था ला तई असू मोहल्ला अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना अल्लाह की रहमत से तो काफिर ही मायूस होते हैं ये काफिरों वाला काम है कि अल्लाह की रहमत से इंसान मायूस हो जाए और फिर आप खुद आप देखते हैं कि अल्लाह ताला ने कैसे उनको उनके गुमान के मुताबिक दिया तो ये जो महीना है ये इस कीमती दौलत को तकवा की कीमती दौलत को उस खजाने को अटेन करने का महीना है और इसमें हमें दुआएं भी सिखाई जाती हैं मसनून दुआ है, है तकवा के लिए तकवा के हसूल के लिए अल्लाह इन्नी असअलकल हदा व तुका वल वलना ए अल्लाह बेशक मैं तुझसे हिदायत तकवा पाक नामनी और बेनियाजी का सवाल करता हूँ गना का सवाल करता हूँ फिर इसी तरह से एक और दुआ है अल्ला आती नफसी तकवाहा वजक्की हा अंत खैरु मनजाहा अंत बली युहा बऊलाहा मेरे नफस को उसका तकवाता फरमा और इसको पाक रख तू ही इसको बेहतरीन पाक रखने वाला है तू ही इसका वली और तू ही इसका मौला है फिर इसी तरह से रोजाना सुबह शाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे और हमारी सुबह शाम की दुआ में ये शामिल है या याकूम बिर अस्तगीस असलहली

तकवा वाला सेल्फ कंट्रोल करने करना जानता है वो अपने नफ्स को कर्ब करना जानता है अपने साथ सख्ती करना जानता है लेकिन जहाँ भी इंसान अपने नफ्स के हवाले होता है और इस हदीस से इस दुआ से हमें पता चलता है कि एक लम्हे का एक पलक झपकने का जो टाइम है उतना भी अगर कोई अपने नफ्स के हवाले होता है तो वो कुछ ऐसा जरूर गड़बड़ करता है कुछ ऐसा काम उससे जरूर सरजद होता है कि जो जिससे वो पछताएगा जिससे वो बाद में नादिम होगा जिसकी बुरी रेप्रिकोशन्स होंगी जिसके कोई नेगेटिव मनफी असरात मुरतब होंगे वो की कर जाएगा वो चुगली उठा जाएगा वो राज फाश कर जाएगा वो एक लम्हा होता है जब आप अपने नफ्स के कंट्रोल नहीं कर सकते और आप किसी की अमानत उसका राज जो आपके सीने में है उसको फाश कर बैठते हैं गुस्से में आप वो एक लम्हा होता है जब आप गुस्से को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं और आप एक थप्पड़ मार देते हैं या आप दरवाजा बैंग कर देते हैं या आपको गाली दे देते हैं जिसका कि आपको इंतहाई फिर बाद में अफसोस भी होता है और जो कि आपकी शख्सियत पर एक इंतहाई बुरे तरीके से रिफ्लेक्ट करता है तो इसलिए हमें नफ्स के तकवा की दुआ करते ही चले जाना चाहिए करते ही रहना चाहिए और ये जिंदगी भर का जिहाद है और अल्लाह सुबहान हमारे लिए ये महीना हमें देकर उसको रिन्यू करने की हमें अपॉर्चुनिटी दी है फिर रमदान शाहरुसब्र है सबर का महीना है सबर का मानी है रुकना अपने आप को थामना ज़िंदगी में इंसान को बहुत मरतबा नाखुशगवार वाक़ हालात का सामना करना पड़ता है और बात दूसरे ज़्यादती कर जाते हैं ऐसे में फिर वही दुआ याद कर लीजिए वला तकिलनी इला नफसी तरफ आई ये जो नफ्स की तरफ माइल होगा एक पलक झपकने के लिए भी तो वो जल्दबाजी से काम ले लेगा और ये फौरी नेगेटिव मनफी रद्द अमल जो है वो मामले को मज़ीद बिगाड़ देता है और मामला जब नापसंदीदा नहज पर चल पड़े तो उसका वाहिद हल सबर होता है याकूब अलैहिस्सलाम को देखिए फिर कैसे अल्लाह ताला ने उनके लिए दरवाजे खोले सैयदा आयशा को देखिए रदी अन्हा, हदीस उसी कहती हैं मैं हदीस उसी थी मैं छोटी थी यंग लड़की थी और उस वक्त जिस तरीके से इन्होंने सब्र किया है और कुरान का जितना उस वक्त का उनको मुतालिया या इल्म था उसने उनको कैसे हेल्प किया है कि मैं वही कहूंगी जो यूसुफ सलाम के वालिद ने कहा था फबर जमील उन तो ये सब्र जमील जो है ये हासिल होता है रोज़ा रखने से क्योंकि इंसान लड़ाई करने वाले से वापसी क्या कहता है इन्नी साइम मैं रोजे से हूँ वो खुद को कंट्रोल कर सकता है वो सब्र करना जानता है उसको पता है कि रोजे में मुझे ये ये काम नहीं करने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजा एक ढाल है जब तुम में से किसी का रोजा हो तो वो फोहश गोई ना करे और ना शोर व शगब करे अगर कोई उसे गाली दे या उससे लड़ने की कोशिश करे तो कह दे कि मैं रोजादार आदमी हूं तो ये सब्र के बगैर तो नहीं आ सकता जिसके अंदर सब्र नहीं है वो तो भूल जाएगा कि उसका अपना रोजा भी है वो तो ईंट का जवाब पत्थर से देगा ट्रैफिक ब्लॉक हो रमजान में लड़ाइयां हो रही होती हैं, लोग निकल के लड़ रहे होते हैं और दोनों फरीक रोजेदार होते हैं। कुछ हो जाए आ, बाजारों में दुकानों पर दुकानदारों से लड़ाई आपस की लड़ाई और रमजान के अंदर ये बड़ी हुई होती है और खास तौर पर रोजे के वक्त में बड़ी हुई होती है किसी को ये याद नहीं रहता कि इन्नी ईसाइम मैं तो रोजे से हूं फिर रोजे का एक और बहुत बड़ा फायदा जिसको कि हम शायद खुद से तो कभी फायदम कर ही ना सकें अब बाज ये आर्टिकल्स होते हैं कि फास्टिंग के, के तिब्बी फ़वाद या फिजिकल फायदे में देखो क्या होता है जी इस तरह से क्या चीज़ ठीक हो जाती है उस तरह से क्या चीज़ ठीक हो जाती है ब्लड प्रेशर पे क्या असरात होते हैं फल पे क्या होते हैं अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है लेकिन वो चीज़ें हैं ये कि जिनके बारे में अल्लाह ताला ने हमें श दिया कि इनके बारे में तुम पढ़ोगे रिसर्च करोगे तुम्हें पता चल जाएगा लेकिन जो इसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स हैं उनका हमें सिवाय इसके कि अल्लाह ताला और उसका किल्लह तसूल सल्हुहस हमें बताएं हमें कभी पता नहीं चल सकता और नबी सल्ला वसलम ने फरमाया सऊ शाहर सबरी शाहरुसबर के रोज़े रखना शाहरुसबर रमज़ान का महीना व सलासती अयामिन मिनकुल्ली शाहरिन और तीन दिन बाकी दीगर ग्यारह महीनों में तीन दिन के रोजे रखते रहना युजहिबना वहरस सदरी सबर के महीने माह रमजान के और हर महीने के तीन रोजे रखना सीने के कीने को दूर कर देता है आपके दिल में अगर लोगों के लिए नेगेटिविटी है नेगेटिव फीलिंग्स हैं आप उनको निकाल ही नहीं पाते बाज लोग होते हर इंसान के अंदर उन्हें हर चीज़ नेगेटिव नजर आती है और नेगेटिविटी के अलावा पॉजिटिविटी वो देख सकते ही नहीं है अगर देखें भी तो उसको सेटिसाइड कर देंगे तो ये जो नेगेटिविटी है और ये चेंज होती है फिर कीना परवरी में और ये बुगज में और इंतकाम पसंदी के अंदर ये चेंज होती है और ये ठीक कैसे होगी आप महीने में तीन रोज़े रख लिया करें सुबहानल्ला इतना कोई मुश्किल काम नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से तौफीक की बात है और अगर आप ला हौला वला को इल्ला बिल्ला कोई नेकी अल्लाह की तौफीक के बगैर नहीं होती लेकिन आप तौफीक मांगे आप अल्लाह ताला से मांगे तौफीक के मुझे हर महीने तीन दिन के रोजे रखने की तौफीक अता फरमा दे ये अयाम बीस के भी हो सकते हैं और उसके अलावा पूरे महीने में स्कैटर्ड भी हो सकते हैं फिर इसी तरह से रोजा इंसान की पसंदीदा चीजों पर रोक लगाकर उसे सबर की तरबियत देता है कुरान मजीद में आता है इन्नी जजई हुम अन्नहुम हुमुल फाइज़ून सराःल मिन की आयत है कि आज मैंने उन्हें उनके सब्र करने पर बदला दे दिया और वही कामयाब होने वाले हैं जितनी भी जन्नत में ले जाने वाली सिफात हैं बहुत जगहों पर कुरान हकीम में अल्लाह सुबहान ने यह उसलूब इख्तियार किया है कि उनको बयान करके और फिर एंड में अल्लाबहन वाल फरमाते हैं व जजा हम बीमा सबरु जैसा दहर में भी आता है वह जजा हम जन्नत सबरू जन्नत और बदला उनका जो उन्होंने सबर किया इसलिए कि हर, हर नेकी सबर से होती है थोड़ा दिला इंसान बात बात पे पैनिक हो जाने वाला जल्दबाज इंसान कम ज़र्फ इंसान जिसके अंदर सब्र और हौसला नाम को ना हो वो ये नहीं काम कर सकता वो ये नेकियों के काम नहीं कर सकता वो कतः रहमी हुई भी को रहमी में तब्दील नहीं कर सकता वो भूखे को खाना नहीं खिला सकता वो अपनी नज़र पूरी नहीं कर सकता जितने भी अः औसाफ हैं जो कुरान हकीम में आए हैं वो सबर से पूरे होंगे फिर इसी तरह से इस्तामत भी सबर ही का हिस्सा है आप दीन पर इस्तकामत इख्तियार कर ही नहीं सकते जब तक कि आप सबर नहीं करते और सब्र आपको आएगा रोजा रखने से अल्लाह आपको सिखाएंगे इमाम अबिन तयिया रही फरमाते हैं उनके एक कॉल का मफहम है कि सबसे बड़ी करामत इंसान का दीन पर इस्तकामत इख्तियार कर लेना है और ये हमें आएगी रमजान के रोजे से भी और दीगर महीनों के रोजों से भी लिहाजा गुस्से के वक्त खामोश रहें किसी भी नापसंदीदा बात से वास्ता पड़े और अगर गुस्सा आ भी रहा हो तो अपने रोज़े का ख्याल करते हुए सब्र से काम लेना बहुत जरूरी है सब्र अगरचे मुश्किल काम है लेकिन सब्र करने वालों को बेहिसाब अजर दिया जाएगा सूरह अजुमर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल या इबादिल वा कह दो के ऐ मेरे बंदो जो ईमान लाए हो अपने रब से डरो जिन्होंने इस दुनिया में नेकी की उनके लिए भलाइया हैं और अल्लाह की जमीन कुशादा है और सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा बेहिसाब कोई फार्मूला नहीं सो so, हर मुश्किल मुझ, मरहले पर सबर करें जबान की हिफाजत ख़ास तौर पर करें और पुख्ता इरादा करें कि कोई गलत बात जबान से ना निकले गुस्से को जब्त करें बलकाजमीज़ अब आफीना अनन्नास वब्बुलमसन रसोल वसल्लम ने फरमाया और जो सब्र की कोशिश करे अल्लाह उसे सब्र अता करता है और सब्र से बेहतर और वसी किसी को कोई चीज़ नहीं मिली इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था असबर उन सबर रोशनी है यह कोई मजबूरी या अंधेर नगरी नहीं है कि सबर के अलावा तो कोई चारा ही नहीं है और हम करें तो क्या करें नहीं सब्र आप करें और अल्लाह ताला आपको सब्र में लुत्फ देगा अल्लाह ताला आपकी नज़र बसीरत रोशन कर देगा अल्लाह काम में जिस पर आपसे सब्र नहीं हो रहा उसकी हिकमतें दिखाना शुरू कर देगा आप अंधेरे से रोशनी में आ जाएंगे और ये रमजान के महीने में आपकी ट्रेनिंग हो रही होती है इस अजीम नेमत और इस अजीम एक सिफ्त के लिए जो कि अल्लाह ताला को बहुत ही पसंद है अपने बंदों में फिर रमजान का महीना शहरुल कुरआन है अल्लाह सुबहान कुरान हकीम में फरमाते हैं इन्ना अनजल ना हफी लत मुबारकिन इन्ना कुन्ना मुंदरीन बेशक हमने इसको एक मुबारक रात में उतारा क्योंकि हम ही खबरदार करने वाले थे फिर सूरह बकरा में आता है ये इस सूरदुखान की आयत थी सूरह बकरा में आता है شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया जो इंसानों के लिए हिदायत है और ऐसी वाजेह तालिमات पर مشتمل है जो राह रास्त दिखाने वाली और हक को बातिल का फर्क खोल कर रख देने वाली है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कुरान सुनाते थे अब्दुल्ला रदिलानु का बयान है और रमजान में हर रात जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान गुजरने तक उन्हें कुरान सुनाते एक और हदीस से यह भी पता चलता है कि हर साल अलैहिस्सलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार कुरान का नाजिलशुदा हिस्सा जो है वो सुनाया है और वफात से पहले वाला जो साल था जो आखिरी साल था उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बार सुनाया और ये बात पहले हो चुकी कल कि इसी को आप सफ़ात की दलील भी समझा था और दुरुस्त ही समझा था कुरान अरबी जबान में नाजिल हुआ है और कुरान जो है ना वो, वो कुराना टेक्स्ट है जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है और उस टेक्स्ट की तिलावत पर भी सवाब है हर हर्फ पर दस नेकियों का वादा है अल्लाह ताला ने कुरान मजीद पढ़ने वालों को ऐसी कामयाब तजारत की खुशखबरी दी है जिसमें किसी किस्म का घाटा नहीं अल्लाह तरमाते हैं सुरह फातर में इन किताब्ता तलावत करते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें रिस्क दिया है उसमे से खुले और छुपे खर्च करते हैं यकीन वो एक ऐसी तजारत की उम्मीद रखते हैं जिसमे हर गज का सारा ना होगा लिहाजा इस माह में दूसरे दिनों की नस्बत तिलावत कुरान में ज़्यादा वक्त हमें लगाना चाहिए अब तिलावत कुरान जो है ना एक तो ये है ना कि आप उसको पढ़ते हैं और का ध्यान कहीं और चला जाता है और अरबिक के वर्ड्स आप पढ़ रहे होते हैं आप ऊँची आवाज़ में पढ़ते हैं आप उसको दुरुस्त पढ़ने की कोशिश भी करते हैं लेकिन एक तिलावत और भी है और वह है खामोश तलावत खामोश तलावत भी करनी चाहिए बैठ जाए कुरान को खोल के ले बैठ जाए और उसके अल्फाज को देखते रहें देखें और दिल में पढ़ें और गौर करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको इसके मफाहिम समझाए अपने खजाने कुरान जो के अंदर जो पिन्हा हैं वो आपके लिए खोल दे इल्म अमल के दरवाजे आपके लिए खोल दे और आप यकीन कीजिए कि जब से मैंने इस बात को सुना कि खामोश तिलावत करनी चाहिए मैंने जब कोशिश की तो मेरे रोंगटे खड़े होने लग गए वो आम जब आप तिलावत कुरान पाक कर रहे होते हैं और आपकी तवज्जो इस पर होती है कि मेरा पारा मुकम्मल हो जाए मेरा गुन्ना पूरा हो जाए मेरी मदात पूरी हो जाए वो भी ज़रूरी है लेकिन उस उसमें आपको वो फीलिंग्स नहीं आती इल्ला माशाल्लाह कि कभी कोई एहसास आ जाए तो इंसान को आ, कुरान का ये हक भी जो है ये भी अदा करना चाहिए फिर लैल में तिलावत कुरान करना चा, करनी चाहिए तरावी या लैल में कुरान मजीद पढ़ना और सुनना बायस शफात है अब्दुल्ला बिन अम्र रिवायत करते हैं रज़ियल्लाहु अन्हुमा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़ा और कुरान क़यामत के दिन बंदे के लिए सिफारिश करेंगे रोज़ा कहेगा ऐ मेरे रब मैंने इस बंदे को खाने पीने और अपनी ख्वाहिश पूरी करने से रोके रखा लिहाजा इसके बारे में मेरी सिफारिश कबूल फरमा कुरान कहेगा ए मेरे रब मैंने इस बंदे को रात को सोने से रोके रखा यानी कयाम के लिए लिहाजा इसके बारे में मेरी सिफारिश कबूल फरमा चुनाचे दोनों की सिफारिश कबूल की जाएगी इसी तरह अब्दुल्ला बिन नब्बा रदीला की हदीस से यह भी पता चलता है कि कुरान मजीद बनस्बत दिन के रात को पढ़ना ज्यादा अफसल है क्योंकि आप अलैहि वसल्लम हर रात जब्राईल को कुरान सुनाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के आखिरी अशरे की तीन रातों में तवील के रात के साथ तरावी की जमात कराई और इसी तरह से कुछ ना कुछ जैसे कल भी बात हुई थी हिफ्स कुरान का इतमाम भी होना चाहिए और जो हिस्सा हिफ्स है उसको लैल में पढ़ना भी चाहिए और अगर हिफ्स ना हो तो फिर आप मुसफ़ को पकड़कर तो पढ़ सकते हैं क़याम कर सकते हैं वो आपके पास एक सेकंड बेस्ट चॉइस के तौर पर बात मौजूद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साहिब कुरान से रोजे क्यामत कहा जाएगा कुरान पढ़ता जा और चढ़ता जा और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता तिलावत कर जिस तरह तू दु दुनिया में तरतील से पढ़ता था बस तेरा मकाम वो होगा जहां तेरी आखिरी आयत की तिलावत खत्म होगी और जाहिर है कि ऐसा वही शख्स कर सकेगा कि जिसके सीने में कुरान महफूज होगा अलबत् कुछ जो शारहन है हदीस के वो ये कहते हैं कि इससे मुराद हर वो इंसान है कि जो कुरान के अहकाम पर भी अमल पैरा था और उसने कुरान के अहकाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना रखा था उन्हीं के रंग में रंगा हुआ था तो क़यामत के दिन वह कुरान को पढ़ पाएगा क्योंकि उसने ज़िंदगी बहरहाल कुरान के साथ ही गुजारी है और ये जो रमजान की रूटीन है तिलावत कुरान की और तदब्बुर की और इसी तरह से तालीमुल कुरान की चाहे वो दौर कुरान की शक्ल में हो करवाना हो या कर रहे हों तो ये हमारी इस दौर में यानी रमजान में बड़ी हुई होनी चाहिए लेकिन बाकी ज़िंदगी में भी ये रूटीन में होनी चाहिए तिलावत कुरान छुट नहीं जानी चाहिए बाकी हमारी ज़िंदगियों में अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में इकट्ठे हों वो अल्लाह की किताब पढ़ें और उसको पढ़ाएं, तो उन पर इत्मीनान नाजिल होता है रहमत उन्हें ढ़ांप लेती है फ़रिश्ते उनके गिर्द घेरा डाल लेते हैं और अल्लाह ताला उन लोगों का जिक्र उन फ़रिश्तों से करता है जो उसके पास मौजूद हैं यानी मुकर्रब जो फरिश्ते हैं उनमें जिक्र होने लग जाता है ऐसे लोगों का कि जो किसी जगह पर बैठ कर तो अल्लाह की किताब को पढ़ रहे होते हैं या पढ़ा रहे होते हैं और जो तिलावत है ना तलायथलु तिलवन तिलावतन पढ़ना और पीछे पीछे आना तिलावतन बमानी इतबा भी है ठीक है तो हमें उस पर अमल भी करना है कुरान के जो हकूक है ना हम पर सबसे पहले गौर से सुना गौर से सुनना कि जब कुरान पढ़ा जाए फस्तमयू लहू तो उसको गौर से सुनो दूसरा है अतिलावा उसकी तिलावत करना ये सब कुरान ही से माखूज है गौर से सुनना सूरत आराफ से आयत नंबर 204 से माखूज है तिलावत करना बकरा 121 एक से अल्लादीन आतई ना हूँ मुल किताब यतलू न हो हक तिलावत ही उला इका मिनू फिर इसको हिफ्स करना इसको याद करना ये अल अनकबूत 49 से फिर इस पर तदब्बर करना सुर आया टी नाइन किताब उन ना लई का मुबारकन लियत दबरुआ याती ही व लियत करलबाब ये बाबरकत किताब है जिसे हमने आपकी तरफ नाजिल किया ताकि लोग इसकी आयात पर गौर वफिक करें और अक्लमंद नसीहत हासिल करें और फिर अलमल से हमें पता चलता है कि हमें इस पर अमल भी करना है हमें कुरान पर अमल पैरा होना है हमें कुरान का मतलूब इंसान बनना है सईद आयशा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्लाक करीमा के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने क्या फरमाया था कान अखलकहल कुरान आपका अख्लाक कुरान था आप चलता फिरता कुरान थे लिहाजा शाहरुल कुरान में कुरान मजीद की तिलावत कसरत से करें कम अज कम एक मरतबा कुरान मजीद खुद पढ़कर मुकम्मल करें फिर एक मरतबा क्याम्लैल में ख़त्म कर लें चाहे वो आप जमात की सूरत में तरावी में करते हैं मस्जिद जाते हैं किसी के घर में बंदोबस्त है तनहा पढ़ते हैं कोशिश करें कि उसमें भी एक कुरान मुकम्मल कर लें एक कुरान दौर कुरान या करवा के और या करके मुकम्मल कर लें फिर कुछ हिस्सा हिफ्स की कोशिश करें और अगर आप हाफिजा हैं हाफिज हैं या कुछ हिस्सा हिफ्स है तो उसकी बाकायदा दोहराई का अहतमाम भी किया जा सकता है फिर इसी तरह से अपने करीबी रिश्तेदारों को अपने एलोयाल को दोस्तों को भी कुरान पढ़ने की तरफ मुतवजह करें ये ऐसी नेमत है जिसका कोई नबदल नहीं है जिसका कोई सब्सिट्यूट नहीं है सरायस आया फिफ्टी एट में अल्लाह सुबह फरमाते हैं कुल ही, हुआ कह दो कि ये किताब के फजल और उसकी मेहरबानी से नाजिल हुई है तो चाहिए कि लोग इससे खुश हों ये उससे कहीं बेहतर है जो वो जमा करते हैं यानी क़ुरान हर उस ख़जाने से बेहतर है जिसके पीछे लोग आज लड़ते हैं मरते हैं और क़त रहमिया करते हैं या दिन रात की तगो दो उसी के अंदर लगा देते हैं इतनी दौलत कमाते हैं कि वो दौलत ही उनकी एंगजाइटी का बाइस बन जाती है उनकी हलाकत का बाइस बन जाती है उसका आना उनको मज़ीद हवस में मुबतला करता है उसका चले जाना उनको हसरत में मुबतला कर देता है और उनकी इसी में ही तमाम होती है सुबह होती है शाम होती है अपनी जिंदगियों को कुरान का दिलदादा बनाएं, अपने आप को अपनी तबीयतों को अगर मैलान नहीं है तो मैलान बनाएं अल्लाह से तौफीक मांगें और कुरान की तिलावत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और इसकी आदत बनाने के लिए रमजान से बेहतर कोई महीना नहीं है रमजान शहरु दुआ का महीना भी है अल्लाह व तआला रमजान के मुतालिक जिन उमूर का जिक्र فرماتے ہیں انہی میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ और जब मेरे बंदे मेरे बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछें तो कह दें कि मैं करीब हूँ मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब भी वो मुझे पुकारे बस चाहिए कि वो मेरी बात मान लें और मुझ पर ईमान लाएं ताकि वो हिदायत पाएं रमज़ान में कसरत से दुआएं करनी चाहिए सहरी का वक्त दुआ की कबूलियत का इफ्तार से पहले का वक्त रोज़ेदार उस वक्त जो दुआ करता है अल्लाह ताला उसकी रद्द नहीं करते वो कबूल होती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन आदमियों की दुआ रद्द नहीं की जाती बाप की रोजादार की और मुसाफिर की फिर इसी तरह से एक और रिवायत में आता है कि बेशक अल्लाह ताला माह रमजान के हर दिन और हर रात में लोगों को जहन्नम से आजाद करते हैं और माह रमजान के हर दिन और हर रात में हर मुसलमान के लिए एक ऐसी दुआ है जिसे कबूलियत से नवाजा जाता है सो इफ ट्वेंटी नाइन नाइट्स तो ट्वेंटी नाइन दुआज थर्टी नाइट्स तो थर्टी दुआज इससे बड़े और खजाना लुटाने वाला कोई होगा वो हस्ती जो हर चीज पे कादिर है रोज हम कहते हैं ना इन नकला कुल्ली शई इन कदीर फिर दुआ मांगते हुए क्यों मोहतात हो जाते हैं बड़ी चीजें मांगे अल्लाह ताला से खूब मांगे अल्लाह ताला से वो सब देता है वो मुजजे करता है और माँ की दुआ मोहम्मद बिन इस्माइल, एक नाबीना बच्चा एक किसी बस्ती में माँ की दुआ की वजह से बीनाई भी वापस आती है और अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस भी वो बनते हैं जिनको आज आप इमाम बुखारी रहम्ला के नाम से जानते हैं वो माँ की दुआ ने उनकी जिंदगी की कैसी पटरी चेंज की हां बहरहाल तरबियत भी होती है लेकिन बिनाई तो उनकी माँ की दुआ की, की वजह से वापस आई थी ना तो दुआ करें कभी मायूस ना हो अल्लाह सुबहान व से वो कहते हैं ना कि अगर आपको दुआ की तोफीक हो गई है ना तो इसका मतलब है कि दुआ कबूल हो गई है और अल्लाह ताला तो दुआ ना करने वाले से बेजार होते हैं असमाय हुसना के जरिए से अल्लाह को पुकारें जिस चीज की जरूरत है उसके जरिए से उस उस उसके रेलीवेंट हुस्ना खुद सोचें खुद सोचें या शाफी या मोहसिन या जमील या अल्लाह या रहमान या रहीम। उलमाए कराम कहते हैं कि किसी इंसान पर गम दर गम आ रहे हो ना अगर मुश्किल पर मुश्किलात आ रही हों तो उसका दो हल बताए जाते हैं एक हल बताया जाता है कि उसको कहो कि या हज पे चला जाए या उमरे पे चला जाए और दूसरा हल ये बताया जाता है या हयू या क्यूम बहमत का अस्तगी पढ़े और अल्लाह ताला के तो इन्फिनिट नाम हैं जितने हमें बताए गए हैं उनको उनकी मारिफत हासिल करें यह अशरफ अल्लूम में से है और इसके जरिए से दुआएं कबूल होती हैं वो लास्मा उलहसना तो अल्लाह ताला से ज़रूर जरूर, जरूर दुआएं मांगते रहना चाहिए कसरत से मांगते रहना चाहिए और ज्यादातर तन्हाई में रो रो कर और गिड़ कर दुआएं करें फिर इसी तरह से फर्ज नमाजों के बाद या आप फर्ज नमाजों के आखिरी तशाह में दरूद शरीफ पढ़ने के बाद भी कर सकते हैं मसनून दुआएं दौण कुरानी दौण, दुआएं दौण, तिलावत कुरान के बाद सहर इफ्तार के औकात में अपने लिए भी करें और दूसरों के लिए भी दुआएं करें दूसरों के मामले में बखील नहीं हो जाना दूसरों के लिए भी दुआएं करनी है इसके लिए अगर आपको दुआएं याद नहीं हैं तो कुरानी और मसनून दुआओं की बुक है व ईया केनस्टाइन वो अपने पास रख लीजिए बेहतरीन किताब है फिर इसी तरह से एक और किताब है उसमें मज़ीद कुछ दुआएं हैं दुआ कीजिए और इन दोनों की एप्स भी मौजूद हैं आप वो एप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं फिर एक और बहुत खूबसूरत ऐप है दुआएं के नाम से शॉकिंग पिंक कलर की है दुआएं के नाम से वो ऐप है और उसमें बहुत बेशुमार दुआएं हैं डिफरेंट मवाके की और बड़े ही खूबसूरत उसके अंदर फीचर्स भी हैं आप अपनी फेवरेट दुआ मार्क कर सकते हैं आप दुआओं को बुक मार्क कर सकते हैं उसमें अल्लाह की हमद भी आपको मिलेगी बहुत खजाने हैं उस ऐप के अंदर भी और फिर जितना जितना आप ये दुआएं मांगेंगे उतनी ही आपको फिर ये ज़बानी भी याद हो जाएंगी फिर इसी तरह से अजान सुनकर अज़ान का जवाब दें फिर दुआ मांगें क्योंकि अज़ान और इकामत का दरमिया वक्त भी दुआओं की कबूलियत का वक्त है तमाम इन घड़ियों से फ़ायदा उठाएँ और ये अब तभी उठा सकेंगे अगर आपने अपने आप को लघबियात से बचाया अगर आप अपना वक्त बाजारों में और टेलीविजन पर और इन्हीं चीजों में ज़ाया करेंगे ना तो इन चीजों का सिर्फ ये तो नहीं ना कि वो वक्त जाया होता है बल्कि बाकी के वक्त में भी बेबरकती आ जाती है और बाकी का वक्त भी रुझान और देहान उन्हीं चीजों में रहा रहता है कि वो जो देखा था तो फिर तो इंसान शैतान के पूरे नगे में आ चुका होता है ना असल में फिर है रमदान शाहरु जिक्र जिक्र का महीना है कितना ये खूबसूरत महीना है और कितनी इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज हैं कितना हैरत अंगेज है ना उनतीस तीस दिन और अपॉर्चुनिटीज ही ऑपरचुनिटी दुनियावी लिहाज से कोई जरा सी ऑपरचुनिटी कोई इंसान को मिले जो उसको दुनियावी लिहाज से जरा सा सेलिवेट करती हो इंसान खुशी से भूला नहीं समाता और इंसान उसके लिए तगो दौ करता है लड़ाई झगड़ा करता है एफर्ट करता है दिन रात एक कर देता है और ये महीना जो आपको हर तरह से साफ सुथरा भी कर रहा है और खजाने लुटा रहा है उससे अगर हम गाफिल रहे या उसको हमने जाया किया तो वाकई फिर हम हलाक ही हुए अल्लाह ना करे कुरान मजीद में अकल वालों के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाजीन यद कुरून अल्लाह कियाम वक़्दन व अला जुनूबी हिम सरा इमरान में कि जो उठते बैठते और लेटते हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं ये उलुल अलबाब हैं ये होते हैं दरअसल अकल वाले लोग और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हर हाल में अल्लाह ताला का जिक्र किया करते थे और दूसरों को भी इसकी ताकीद किया करते थे एक शख्स ने अर्ज किया या अलैहि वसल्लम इस्लाम के अहकाम तो मेरे लिए बहुत हैं बस आप मुझे ऐसी बात बताइए जिसको मैं मजबूती से पकड़ लू आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरी जबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहे फिर इसी तरह से एक और हदीस में आता है अबू हुररा रदीलानों से रिवायत है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसने एक दिन में सौ मरतबा कहा ला لا شريك له शरीक الملك लह الحمد وهو व كل شيء क़दीर तो उसको दस ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा और उसके लिए सौ नेकियां लिखी जाएंगी और उसके सौ बुराइयां माफ होंगी और उस दिन शाम तक वो शैतान के शर से महफूज रहेगा और रोजे उससे अफजल अमल कोई ना लाएगा मगर वो शख्स जिसने इससे मरतबा कहा सुबहान भी हमदी ही तो उसकी खतए माफ कर दी जाएंगी खबो समर की झाक के बराबर ही क्यों ना हो लिहाजा रमजान के रोजो शब में हर वक्त अपनी जबान को अल्ला की याद से तर रखें घर में कामों के दौरान खाना बनाते वक्त खसूस असकार का वर्द जारी रखें और एक इंतहाई ख़ूबसूरत तस्वीर अकबर, जिसके बारे में नबी सल्ह वसल्लम ने फ़रमाया कि ये मुझे हर उस चीज़ से ज़्यादा महबूब हैं कलिमात के जिन पर सूरज तलु होता है इमाम इबन कैयम रही फरमाते हैं कि जिसने तस्बीह को कायम रखा यानी उस पर मुदावमत इख्तियार की तो वो खुश रहता है यानी उसके गम दूर होते हैं और ये कुरान में दिया हुआ नुस्खा है कि अगर आपका दिल तंग हो रहा है लोगों की बातों से आप गमगीन हो रहे हैं तो आप तस्बीह करें अल्लाह ताला की और जो अल्हम्दुलिल्लाह ला हमद को कायम रखता है नेकियां उसकी पैरवी करती हैं उसको नेकियों की तोफीक होती है और जिसने इस्तफार को कायम रखा उसके लिए बंद ताले खोल दिए जाते हैं तो लिहाजा अपने आप को जिक्र का पाबंद बनाएं रमजान के महीने में और उसको गैर रमजान में फिर जारी भी रखें एक और जिक्र जो हमें सैयदा जवेरिया रदी अल्लाह तमुल से मिलता है कि वो लंबा कोई जिक्र कर रही थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास से तशीफ ले गए फजर के वक्त और तुलुए आफ्ताब तक आप वसल्लम जब वापस तशरीफ लाए तो अभी तक भी वो जिक्र कर रही थी तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने इस दौरान में तीन ऐसे कहे हैं कि वो सारे के हावी हैं भारी हैं जो आपने किए हैं और वो कौन से तीन कलिमात हैं सुबहानल्ला वमदी ही अदद खलकी ही वरिदा नफसी ही वजनता अरशी ही व में दादा कलीमाती पाक है अल्लाह और उसी की तारीफ है उसकी मखलूक की तादाद के बराबर उसकी ज़ात की रज़ा के बराबर उसके अर्श के वज़न और उसके कलिमात की स्याही के बराबर फिर इसी तरह से दरुद शरीफ कम अज़ कम एक तस्वीर रोज़ाना अल्लास महम्मद आल महमद और जुमे के दिन इसकी कसरत फिर इसी तरह से ला इला अंता सुबहान इन्नी कुंतु मिनमीन अपने गुनाह याद कर करके कि मैं ज़ालिम, मैंने गलत किया मुझसे गलती हुई अल्लाह मुझे माफ़ कर दे अल्लाह मुझे माफ़ कर दे अल्लाह मेरी गलती बख्श दे फिर इस्तार इस्तफार को लाजिम पकड़े और एक बड़ा ही खूबसूरत कार्ड है ज़िक्र इलाही कार्ड और वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल ये कार्ड इनसे आप फायदा उठा सकते हैं आपको आ, किसी भी जगह से अलहुदा की शॉप से भी या किसी भी ब्रांच से आप इनको हासिल कर सकते हैं इन फिर रमज़ान का महीना शहरुल मुआसात है बाहमी हमदर्दी का महीना है यानी गमखारी का महीना है ख़ास तौर पर जिनका जरिया मुआश तंग है और रिस्क के मामले में वो महरूमी और तंगी और परेशानी और दुख का शिकार हैं तो ऐसे लोगों के लिए अपने माल को ख़र्च करना रमज़ान में दिल खुले हुए होते हैं आप ख़ूब ख़र्च करते हैं और आपको खूब अपनी भूख से अंदाजा होता है कि ये तो चंद घंटों की है और मैंने खा लेना है और मुझे यकीन है कि मुझे के कुछ मिल जाना है और कहाँ वो लोग के जिनको अगर दो वक्त की रोटी दिन में मिल जाए तो वो उनके लिए हैरान कन नेमत होती है तो फिर इंसान को हमदर्दी का एहसास जागता है या जागना चाहिए तो सही अगर हमें नहीं जागता तो फिर अपने दिल की सख्तियों का हमें इलाज करना चाहिए रसोल्ला सल्ला ने फरमाया बेहतरीन खुश करना उसका कर्ज अदा करना उसकी जरूरत पूरी करना और उससे कोई तकलीफ और सख्ती दूर करना है फिर इसी तरह से आप सल्लाह वसलम ने फरमाया कि मोमिन अच्छे अखलाक के साथ उस शख्स का मरतबा हासिल कर लेता है जो दिन को रोजा रखता हो और रात को क्याम करता हो फिर रोजेदार को माह रमज़ान में खुद भूखा प्यासा रहकर दिल में उन हाजत मंदों का दर्द महसूस करने का मौका मिलता है जो अक्सर बेशतर फ़क्रो फाक़ा में मुबतला रहते हैं यूं उसके दिल के अंदर नरमी पैदा होती है और वो दूसरों की जरूरियात पूरी करने के लिए कोशिश करता है रमज़ान में सलफ़ सालिहन का तरीका ये था कि मसाजिद उन खानों से भर जाया करती थीं जो वो फ़करा और मसाक़ीन के लिए पेश किया करते और जिस किसी को भी खिलाते अल्लाह की मोहब्बत में खिलाते ये है असल करने का काम व यु तयमून तमाम अला ही मस्किन अउँ व यतीम अं व इसीरा और वो उसकी यानी अल्लाह की मोहब्बत में मस्किन यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं सैद आयशा रदी से मरवी है कि एक मरतबा नबी सल्हस के पास कहीं से एक गोह आई थी गोह जो है ये एक तरह की लिजर्ड होती है सहराई लिज़र्ड है ये और बहुत बड़े साइज़ की होती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तनावल ना फरमाया और मना भी दूसरों को ना किया तो आयशा रदियाँ फरमाती हैं मैंने अर्ज़ किया या क्या हम ये मस्किनों को ना खिला दें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो तुम खुद नहीं खाते वो उन्हें भी मत खिलाओ यानी किसी ऐसी नीयत से कि अच्छा अब ये आ गया है और दूसरे को भी चाहे ना पसंद है तो उसको दे दें इसकी आप इस तरह से मिसाल देखिए कि कोई खुद से खा ले तो अच्छी बात है आ, इसकी मिसाल आप इस तरह से देखिए कि आप फ्रूट लाते हैं घर में और फ्रूट ला के आप अपने कमरे में रख लेते हैं और केला है अमरूद है माल्टा है और वो पड़ा रहता है चार पांच दिन के बाद आप देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा गलने लग गया है तो फिर आप बहुत सखी होकर आप अपने मुलाजिम के कह को कहते हैं ये तुम लोग खा लो और ये आप उस वक्त देते हैं कि जब वो आपके अपने खाने के काबिल नहीं रहता पहले दिन दिया करें पहले दिन दिया करें हस्पतालों में मरीजों को कैदियों की अहवाल पुरसी सवाली को खाली ना लौटाना मुलाजमीन को कामों में रियायत देना ये सब चीजें शहरुल मुआसात का हिस्सा होनी चाहिए अमलन हिस्सा होना चाहिए फिर रमज़ान का महीना सदका है, सदका और खैरात का महीना है अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक में बहुत सखावत किया करते थे अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी लानों बयान करते हैं कि नबी अलैहि वसल्लम लोगों के साथ भलाई करने में बहुत सखी थे और रमजान में जब जब्राईल आसमाम आप सल्हस से मिलते तो आप सल असलम और भी ज्यादा सखी हो जाते रमज़ान में हर रात जब्राईल आप सल्ह वसलम से मिला करते और नबी अक्रम सल व्म रमज़ान गुजरने तक उन्हें कुरान सुनाते जब जब्राई सल्स आपसे मिलते तो आप सल्ह वम फ़याजी में तेज़ हवाओं की मानद हो जाते यानी हर जगह जाकर आपकी फ़याजी ट किया करती थी तो लिहाजा इसका तरीका ये बनाया जा सकता है कि आप थोड़ी थोड़ी सेविंग कर लें रमज़ान से पहले और फिर उसको रखें और फिर रमज़ान में उसको इस तरह से सदका करें कि हर एक को उसका फ़ायदा पहुँचे क्या जकवात के मुस्किन हैं तो उनको जकवात से भी दे सकते हैं मुस्तकिन नहीं हैं सफ़ेद पोश लोग हैं या अजीज़ व अकारब हैं तो आप उनको वैसे अपने पाकिजा माल में से तोह तहफ ख़रीद कर दें ताकि आपकी मोहब्बतों में इजाफा हो फिर इसी तरह से जितने भी नेकी के और ख़ैर के और भलाई के काम है मसाजिद की तामीर है कुओं की खुदाई है तबलीग का काम है तालब इलमों के तलीमी अखराजात हैं इसी तरह से बहुत से ऐसे तबलीग के काम होते हैं मसला जो मॉडर्न डे जो तबलीग है उसके अंदर जैसे साउंड सिस्टम अगर चाहिए फ़ॉर एक्ज़ाम्पल अगर कितनी भी किसी की तैयारी हो और कितना भी उसके पास मटेरियल हो बात करने को और कितने वो जज्बे से आया हो लेकिन अगर साउंड सिस्टम नहीं होगा या अच्छा नहीं होगा तो उसकी बात किसी को समझ ही नहीं आएगी किसी को सुनाई ही नहीं देगी तो ये सब चीज़ें जो हैं इन पर ख़र्च करना दरअसल अल्लाह ताला को कर्ज़ देने के मुतरदफ़ है अल्लाह ताला ताला फरमाते हैं मंदल लजी युकल करदन हसना फ़युदाफहू लहू अद कसीरा कौन है जो अल्लाह को कर्जे हसना दे ताकि अल्लाह उसे कई गुना बढ़ाकर उसको वापस कर दे सो लिहाजा रमजान में अपनी हैसियत के मुताबिक दिल खोल कर अल्लाह की राह में खर्च करें फिर रमजान का महीना कियाम है क्याम का महीना है रसूल वसल्लम ने फरमाया मनकाम रमदान ईमान वह तबन गिस ने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमजान की रातों में क्याम किया उसके गुजश्ता सारे गुना माफ कर दिए गए सुबह और जाहिर है जब आप क्याम करेंगे तो फिर आप उसमें कुरान पढ़ेंगे फिर इसके अलावा भी जो दिन के नवाफिल है ना चाश्त और अशराख चाश्त और अशराख के नवाफिल को न तहजद ऑफ द लेजी भी कहा जाता है सुस्त लोगों की तहजद के जो रात को उठकर नफल नहीं अदा कर सकते तो फिर वो इस वक्त कम अज़ कम उठ के जरूर ये नवाफिल अदा करें और जो तहज्द पढ़ते हैं वो भी इसको अदा कर सकते हैं और करना चाहिए आप देखिए कि एक हदीस में आता है कि इस नमाज की चाश्त की नमाज की हिफाजत या उस पर दुआम सिर्फ वही कर सकते हैं कि जो अवब हैं जो कसरत से अल्लाह की तरफ रजू करने वाले हैं तो अब देखिए कि फजर से जोहर तक एक लंबा वक्त होता है ना कई घंटे आ जाते हैं बीच में आपको नमाज पढ़े बगैर तो एक अवाब जो है ना अल्लाह की तरफ रजू करने वाला उसको तकलीफ होती है कि इतनी देर हो गई है मैं अल्लाह के आगे झुका ही नहीं मैं इतनी देर से अल्लाह ताला के आगे सज़दा रेजी नहीं हुई रुकू नहीं किया क़्याम नहीं किया तो वो उठता है और वो रह नहीं सकता और वो नवाफिल पढ़ लेता है तो ये अल्लाह के कुर्ब का जरिया है नवाफिल जो होते हैं ना वो अल्लाह ताला के कुर्ब का जरिया होते हैं फिर इसी तरह से रात के क्याम के बारे में सूरा में भी अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं तनूब जुनूबहुम अनिल मदाजी येदौन और अब्बाहम खौफम वतम आ वम्मा जखना हम यूनफिकून उनके पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं और वो अपने रब को खौफ और उम्मीद की हालत में पुकारते हैं और उसमें से जो हमने उनको रिस्क दिया है वो खर्च करते हैं अब आम दिनों में क्याम्लैल करना नस्बता मुश्किल है लेकिन रमज़ान की बरकत और बाजमात नमाज तरावी से यह सूरत बड़ी आसान हो जाती है अल्लाह मुत्तकीन की सिफात में बयान फ़रमाते हैं कानू कलीलम मिन कलीलमिन मा जऊून व बिल असहारी हम यस्तगफिरून वो रात को कम ही सोते हैं और सहर के वक्त इसतफ़ार करते हैं फिर इसी तरह से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया फ़र्ज़ नमाज के बाद अफ़सर तरीन नमाज रात की नमाज़ है अबू उमामा रदीलानों से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया तहज्जुद ज़रूर पढ़ा करो क्योंकि वो तुमसे पहले सोलहन की रविश है और तुम्हारे लिए अपने रब के कुर्ब का वसीला गुनाहों को मिटाने का जरिया और गुनाहों से बचने का सबब है और अब देखें इससे भी हमें कुरान की तिलावत की अहमियत का पता चलता है तहज्जुद में भी जाहिर है आप जब नवाफिल पढ़ेंगे और तहज्जुद के नवाफिल का ख़ास तौर पर यह है मा उमा तयसरमिनल क़ुरआन आसानी से जितना पढ़ सकें लेकिन बहरहाल Uh, कोशिश यही होनी चाहिए कि अल्लाह ताला आपको जरा लंबे कयाम की तोफी कता फरमाए इमाम इबन तहमिया रही फरमाते हैं कि इंसान जब कुरान पढ़ता है और उसके ऊपर तदब्बर करता है तो ये सबसे कवी जरिया है उसका अल्लाह ताला की नाफरमानी से रुक जाने का बच जाने का सुबहान अल्लाह फिर रमदान वुम्रा रमजान और उम्र उम्र का महीना भी है ये क्योंकि रसुल्ला वसल्लम ने जब हज किया तो हजरतलबा से जब आप वापस तशरीफ़ लाए तो एक सहाबिया उम सीनानसारिया साथ नहीं जा सकी थी तो आपने उनसे दरियात फरमाया कि तुम हज करने क्यों नहीं आई हमारे साथ किस चीज़ ने तुम्हें रोका हमारे साथ हज करने से तो उन्होंने अर्ज़ की कि उनके जो शौहर हैं उनके पास दो ऊंट पानी पिलाने के थे एक पर वो ख़ुद हज पे चले गए और दूसरा हमारी ज़मीन सैराब करता है लिहाजा मेरे पास वसाइल नहीं थे सवारी नहीं थी तो इसलिए मैं नहीं जा सकी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान में उम्र करना हज के बराबर या मेरे साथ हज करने के बराबर है एक और रिवायत में आता है कि आपने उनसे फरमाया था कि जब रमजान आए तो उमरा कर लेना उसका सवाब हज के बराबर है तो एक तो वो मोहब्बत की फीलिंग चलो कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं जा सके वो तो एक महरूमी आई ही आई लेकिन सवाब का नेमुल बदल दे दिया गया इसी तरह से जब साहबा जो हैं वो बहुत परेशान थे कि हम तवाफ़ नहीं कर सकते उम्रा नहीं कर सकते मदीना में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम अपने घर से वजू करके मस्जिद कुबा जाओ दो नफल पढ़ो तुम्हें उम्र का सवाब मिलेगा और ये हदीस जो है ये अभी भी मस्जिद कुबा के बाहर लिखी हुई है और लोग जाते हैं और उम्र का सवाब हासिल करते हैं बहरहाल रमज़ान में उम्र कर लेने से हज का सवाब मिलता है लेकिन वो जो फरीजा हज है वो पाँच दिन का हज जो करना होता है वो साकित नहीं होता बहरहाल ठीक है तो इस्तात हो तोफीक मिले तो उम्रे के लिए भी चले जाए ठीक है कमजोरी बीमारी या किसी और वजह से ना जा सकें और आपके पास पैसे हों इसतात रखते हों तो किसी और को उम्र करवा दें और अगर उम्र नसीब हो जाए तो उस वक्त को ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत में गुजारें और फिर वो दस रातें आती हैं कि जो अफजल तरीन रातें हैं पूरे साल की वल वल अशरुल अवाखिर रमदान अशरुल अवाखिर रमजान और उसका अशरा सारा रमजान ही इबादत का महीना है लेकिन आखिरी अशरे की इबादत की खास फजीलत बयान हुई है रमजान के आखिरी दस दिनों में अपने अहलोल को इबादत के लिए खसूसी तरगीब दिलाना नबी करीम अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना है सईद आयशा फ़रमाती हैं ऱी अल्लाह जब रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होता तो नबी अलैहि वसल्लम इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाते रातों को जागते और अपने अहल ख़ाना को भी जगाते एक और रिवायत में आयशा रदी बयान फ़रमाती हैं कि रसोल्ला सल्व आम दिनों की नस्बत आखिरी अशरे में खूब मेहनत और कोशिश करते थे खूब मेहनत और कोशिश करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फातिमा रदी और अली रदीह का दरवाज़ा भी खटखटाते और फरमाते अला तकुमानी, मानी फतलानी क्या तुम दोनों नमाज पढ़ने के लिए उठोगे नहीं तो आखिरी अशरा बाजारों में नहीं गुजारना खुदारा बाजारों में नहीं गुजारना पूरा रमज़ान ही नहीं गुजारना और आखिरी अशरा तो बिल्कुल ही नहीं गुजारना और इसी तरह से मुमकिन हो आप कोई काम करते हैं तो मुमकिन हो तो आखिरी अशरे में छुट्टियां ले लें जो ले सकता है यानी अगर कोई इदारा नहीं छुट्टी दे रहा तो वहां पर जाहिर है कि आपको ज्यादा फिर आ, लड़ाई झगड़ा तो नहीं करना लेकिन मुमकिन हो तो छुट्टी ले लें उस अशरे में और इबादत के लिए यकसू हो जाए और तरावी और तहज्द वग़ैरह में हत तवील क्याम करें कसरत से तिलावत कुरान मजीद और जिक्र अजगार करें रात को खुद भी जागें और घर वालों को भी जगाए फिर रमदान व एतकाफ़, रमजान और एतकाफ़ की सुन्नत अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए इबादत की गर्ज से मस्जिद में रहना एतकाफ कहलाता है यह सुन्नत किफ़ाया है किफ़ाया यानी हर कोई ना भी करे मोहल्ले में से कम्युनिटी में से तो कोई बात नहीं कुछ लोग कर लें तो बाकियों से भी वबाल हट जाता है उनकी तरफ से भी सुन्नत अदा हो जाती है और इसकी मुद्दत रमज़ान का तीसरा अशरा यानी आखिरी दस दिन होते हैं और इस मुद्दत में दुनियावी काम नफसानी ख्वाहिशात दिल पसंद मशागिल और अहलोयाल से अलग होकर खुद को सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ कर दिया जाता है अबू हुरैरा रदिल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हर साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में दस दिन इतिकाफ़ फरमाते थे लेकिन वफात के साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन एतकाफ़ फरमाया अगर किसी को एतकाफ़ के लिए 10 दिन मुयसर न आ सकें तो जितने दिन मुयसर हों उतने दिनों ही का एतकाफ कर लेना चाहिए और फिर यह है कि एतकाफ़ की जो पाबंदियां हैं उनको जरूर मलहूज रखना चाहिए सैद आयशा फरमाती हैं कि एतकाफ़ करने वालों के लिए एतकाफ़ के मामले में सुन्नत ये है कि वो ना तो मरीज़ की अयादत करे ना जनाजे में जाए ना औरत को हाथ लगाए ना उससे मुबाशरत करे ना किसी हाजत के लिए मस्जिद से निकले सिवाय इस हालत के के जिसके लिए मस्जिद से निकलने के सिवा कोई चारा ना हो और रोजे के बग़ैर नहीं होता और इतकाफ़ नहीं होता मगर सिर्फ़ मस्जिद में यानी एक आबाद मस्जिद में जहाँ नमाजी आते हों जहाँ पांच वक्त की नमाज जो है वो इस्टेब्लिश होती हो खात ने इतकाफ़ करना है तो वो भी मस्जिद ही में करेंगी उमातुल मुमिन की यही सुन्नत है सबसे ज्यादा पर्दा उन्हीं का था और फिर भी जब एतकाफ उन्होंने किया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में या बाद में तो उन्होंने मस्जिद ही में अपना ख़ैमा लगवाया है और फिर यह है कि अगर किसी खातून के घर के हालात इस बात की इजाज़त नहीं देते तो वो अपनी ख़ुद इबादत करे अपने घर में इबादत करे लेकिन उसको एतकाफ़ का नाम ना दे रमजान की बीस तारीख को फजर की नमाज के बाद मस्जिद में एतकाफ़ के लिए बैठना सुन्नत है और जब ईद का चांद नजर आए तो तब से बाहर आ एतका एतकाफ़ के लिए रोजा रखना लाजमी है और एतकाफ़ का मकसद गोशा नशीनी है इसलिए गैर जरूरी मेल मुलाकात से परहेज करनी चाहिए रमदान व लैलतुल कद्र रमजान और लैलतुल कद्र इंतहाई सादत की रात इसी रात ने मजीद नाजिल हुआ जो इंसानों की हिदायत का जरिया है लई लतुल्क़दरी खैर अल्फी शहर शब कदर लई लतुल्क़दर हजारों महीने से ज्यादा बेहतर है ये रात तलु फजर तक सरासर सलामती की रात है इस रात की फजीलत में पूरी सूरतुल्क़दर नाजिल हुई इस रात को तलाश करते हुए आखिरी अशरे की ताक रातें इबादत में गुजारनी चाहिए और गुजारी जाती हैं रसोल्ला सल्ला वसलम ने फरमाया बिलाशुबा उस रात को जमीन में फरिश्तों की तादाद कंकरियों की तादाद से भी ज्यादा होती है उस रात में एक अच्छा अमल हजार माह के अमल से बेहतर है अनसबिन मालिक रदी अल्ला से रिवायत है कि रमज़ान आया तो सल्लल्लाहु अलैहि सल वसल्लम ने फरमाया ये महीना जो तुम पर आया है इसमें एक ऐसी रात है जो हजार महीनों से बेहतर है जो शख्स इससे महरूम रहा वो हर भलाई से महरूम रहा इस रात की सादत से सिर्फ बदनसीब ही को महरूम किया जाता है ललित की तलाश रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में करनी चाहिए अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमजान के आखिरी अशरे में लतर तलाश करो फिर अगर तुम में से कोई कमजोरी दिखाए या आजिज हो जाए तो आखिरी सात रातों में सुस्ती ना करे इसी तरह से अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से लतदर का क्याम करता है उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं नबी अलैहि वसल्लम एक मरतबा लैलतुल कदर की खबर देने तशरीफ ला रहे थे तो एक सहाबी कहते हैं कि इस इस्ना में दो मुसलमान आपस में झगड़ा करने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं आया था कि तुम्हें लैलतुल कदर बता दूं लेकिन फलां और फलां ने आपस में झगड़ा कर लिया बस उसके मुअय्यन वक्त का इल्म उठा लिया गया और उम्मीद है कि तुम्हारे हक में यही बेहतर होगा वरना तो हमने उसी एक रात में उन चंद लम्हों की बस इबादत करके तो फारग हो जाना था अल्लाह ताला चाहते थे कि हम पूरा अशर इबादत करें कदर की कुछ अलामत भी हैं कहा जाता है सुनन अबू अबूदाऊद की हदीस है कि कदर की सुबह को सूरज के बुलंद होने तक उसकी श्वा नहीं होती वो ऐसे होता है जैसे थाली और अब तो लोग सताइसवीं की सुबह की तस्वीरें खींच खींच के भी लगा रहे होते हैं कि देखें यह कैसे श्वा के बगैर सूरज है वल्लम और ये ताक रातों में से कोई भी रात हो सकती है फिर फरमाया कि तुम में से कौन उसे यानी कदर को याद रखता है उसमें जब चांद निकलता है तो ऐसे होता है जैसे बड़े थाल का किनारा इबन अब्बासमास से मरवी है कि वसल्लम ने फरमाया ललित आसान और मोतदिल रात है जिसमें ना गर्मी होती है और ना सर्दी इस सुबह का सूरज इस तरह तुलु होता है कि उसकी सुर्खी मध्यम होती है सही मुस्लिम की एक हदीस है कि उबई बिन काब रदीलानो ने फरमाया कि अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि जो आदमी सारा साल क्याम करे वो लई लतुल्कर को पहुंच गया तो उबई रदीलानो फरमाने लगे कि अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं वो लैलतुल कदर रमज़ान में है वो यकीन के साथ कसम खाते हैं अल्लाह की कसम में बेशक जानता हूँ वो कौन सी रात है ये वही रात है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क़याम का हुक्म दिया उस रात की सुबह सत्ताईस तारीख थी और उसकी अलामत ये थी कि सूरज तलू हुआ तो उसकी सफ़ेदी में शुआ न थी यानी एक सहाबी रसूल अब्दुल्ला बिन मसूद रदों की राय थी कि सारा साल जो हर रात क्याम करेगा वो लैलतुल कदर को पालेगा तो भई बिन काब रदी ने उनकी तस्ह की है कि नहीं ये सारे साल की रातों में से कोई रात नहीं होती ये रमज़ान ही की रातों में से एक रात होती है और उसकी कुछ अलामत भी बता दी गई हैं और हमारा करने का काम ये है कि इस रात में खसूस इबादत की अक्त तमाम करें और ललित्कदर पाने की तमन्ना रखें और उसके लिए कोशिश करें और ललित़दर की ख़ास दुआ जो सैद आयशा रदी के पूछने से हमें हम तक पहुंची उनके सवालों से उम्मत को बहुत फायदा हुआ है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम अगर मैं लैलतुल कदर पा लूं तो उसमें क्या कहूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कहो اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني एला तू माफ करने वाला है माफ करने को पसंद करता है बस मुझे माफ फरमा दे और एक और रिवायत में अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुवुन अफोन करीम उनब अफवा फाफो अन्नी के अल्फाज हैं कि तू माफ करने वाला है करम फरमाने वाला है रोजे के कुछ अहकाम भी देख लेते हैं कुछ चीजें हैं कि जो आ, हर दफा कुछ सवाल होते हैं लोगों के जहनों में रोजा हर बालग आकिल मुकीम और रोजे की ताकत रखने वाले मुसलमान पर फर्ज है फर्ज रोजे की नीयत फजर से कबल करना जरूरी है नीयत के लिए दिल का इरादा काफी है जबान से कोई अल्फाज अदा करना सुन्नत से साबित नहीं है रोजे की हालत में मिसवाक करना सुन्नत से साबित है मिसवाक को आप टूथ ब्रश पर इस तरह क्यास तो नहीं कर सकते लेकिन अगर आप मिसवाक अवेलेबल नहीं है और आप ब्रश करना चाहते हैं तो कराम ने इससे मना भी नहीं फरमाया कि आप Uh, यानी फिर आपको एहतियात करनी है कि टूथपेस्ट है बहुत कम लगाएं अव्वल तो बहुत कम लगाएं और फिर एहतियात करें कि कहीं उसका जायका जो है वो जबान से होता हुआ हलक तक ना पहुंच जाए आंख में सुरमा लगाने से रोजा नहीं टूटता नाक में दवा डालने से दवा हलक या मेदे तक पहुंच जाए तो रोजा टूट जाएगा और अगर नहीं पहुंचती एहतियात की जाती है तो फिर नहीं टूटेगा तो uh, एहतियात रखनी चाहिए गर्मी की शिद्दत से रोजादार गुसल या कुल्ली कर सकता है रोजे की हालत में वजू करते वक्त नाक में इस तरह पानी डालना कि हलक तक पहुंचने का अंदेशा हो जायज नहीं आम दिनों में आप ऐसे ही करते हैं लेकिन रोजे में नहीं नक्सीर इस का खून और उस जैसा दूसरा खून निकलने से रोजा नहीं टूटता रोजा सिर्फ हैज या निफास निफास, निफास यानी बच्चे की पैदाइश के बाद वाला खून उसी से टूटता है खा दिन के किसी हिस्से में भी वो खून आया हो यानी वो कहते हैं ना कि बारह बजे से पहले आया तो रोजा टूट जाएगा और बारह बजे के बाद आया तो रोजा रखा जाएगा तो ऐसी कोई बात नहीं है इफ्तार से दस मिनट पहले भी पीरियड्स हो जाएं तो रोजा टूट जाता है और उसकी कजा देनी होती है रोजे की हालत में हिजामा करवाया जा सकता है जान बूझ कर कै करने से रोजा टूट जाता है अलबत् किसी को तबन खुद से आ जाए तो फिर उसका रोजा नहीं टूटता बवकते जरूरत खाने का जायका चखने में कोई हर्ज नहीं है खास तौर पर ऐसी खातून खाना के जिसके पास और कोई चारा ही नहीं है कि वो आ, किसी को चखाए तो उसका तरीका यह है कि जबान के किनारे पर रख कर चखें वहां टेस्ट बर्ड्स बड़ी तेज होती हैं और उसको हलक तक न जाने दें भूल कर खा पी लें तो रोजा सही होगा लेकिन याद आते ही फौरन हाथ रोक लेना वाजिब है हत्ता के मुंह का लुकमा या घूंट भी उगल देना जरूरी है जिसने जानबूझकर खा पी लिया तो उस पर तौबा और रोजे की कजा वाजिब है रोजे की हालत में थूक निगलने में कोई मुजायका नहीं दांत से खून निकलने से रोजे पर कोई असर नहीं पड़ता रोजादार के लिए खुशबू लगाना और सूंघना जायज है जो शख्स बुढ़ापे या ऐसी बीमारी की वजह से जिससे सेहत की उम्मीद नहीं रोज़ा न रख सके तो वह हर दिन के बदले एक मिसकीन को खाना खिलाएगा और कुरान हकीम में क्या आता है फमन ततव लहू और अगर आप ज़्यादा देना चाहते हैं एक की बजाय दो को देना चाहते हैं और या एक ही मिसकीन को दो वक्त का देना चाहते हैं तो वह आप ही के लिए बेहतर है बट किफ़ायत करेगा फिदिया के लिए एक मिसकीन को आ, एक वक्त का खाना जो शख्स बीमार था फिर शफ़ायाब हो गया तो कज़ा की ताकत रखते हुए भी अगर उसने रोजों की कज़ा ना की और मौत आ गई तो उसके वो रसा को चाहिए कि उसके कज़ा रोजे रखें हामिला और दूध पिलाने वाली औरत के लिए रोजा रखना मुशक्कत का बायस हो तो रोजा न रखे अलबत्ता फौज शुदा रोजों की कजा देनी होगी मुसाफिर के लिए रोजा न रखना अफसल है लेकिन बहालत सफर अगर सफर आसान मालूम होता है और वो रोजा रख लेता है तो कोई हर्ज भी नहीं फिर उसको बाद में कजा देनी है रमजान में रोजे की हालत में शौहर अपनी बीवी से जबरदस्ती अगर जमा कर ले तो बीवी का रोजा सही होगा उस पर कोई कफारा नहीं अलबत् शौहर गुनेगार होगा और उस दिन के रोजे की कजा और कफारा उस पर लाजिम होगा और इस काम का कफारा या एक गुलाम आज़ाद करना उसकी ताकत ना हो तो मुसलसल दो महीने के को खाना खिलाना है जहन में अगर शहवत का तस्वुर आया और फिर इंसान ने अः उसको रोक लिया और उसके बावजूद उसकी कोई आ, म, आ, मनी खारिज हो गई तो उससे रोजा फासिद नहीं होगा मजी निकलने से रोजा नहीं टूटता यानी गलबा शाहवत की वजह से जो एक वो स्टिकी सा डिस्चार्ज होता है उसको मजी कहते हैं इससे रोजा नहीं टूटता अलबत्ता वजू दोबारा करना होता है और ये नापाक है और अंडरवेयर पर या लग जाए अंडर गार्मेंट्स के ऊपर तो उसको भी फिर यह चेंज करें या धोए फर्ज रोजों की क़ा आइंदा रमजान से पहले किसी भी वक्त अदा की जा सकती है गिनती के चंद दिन इख्ताम को पहुँचते हैं और इंसान लोग यही कहते सुन, आ, सुनाई दे रहे होते हैं कि पता ही नहीं चला अभी तो रमज़ान आया था और अभी गुजर भी गया है अपने दिल का जायज़ा लेना चाहिए रमज़ान के शुरू में कि रमज़ान आने की कितनी खुशी है कितनी एंटिसिपेशन है और रमज़ान के जाते हुए कि दिल में कितना दुख है कितनी तकलीफ है और दूसरे ये कि किया क्या हासिल क्या किया हमने क्या खोया हमने क्या पाया और रमज़ान के बाद वो पुरमसरत लम्हात आते हैं जिनको हम ईदुल फितर कहते हैं और इसमें मसाजिद में, में बाज़ारों में रास्तों में घरों में तकबीरात बुलंद करनी चाहिए अल्ला अकबर अल्ला अकबर ला अला अकबर अल्ला अकबर व्लामद अल्ला अकबर कबीरा वालहमदिल्ला कसीरा व सुबह अल्ला बकरतम व असीला और सदक़ा फ़ितर जो कि हर मुसलमान पर फर्ज है खास उसने रमजान के रोजे रखे हों या नहीं नमाज ईद से पहले पैदा होने वाले बच्चे घर के मुलाज़मीन और घर आए हुए मेहमान का भी सदका फितर देना होगा उसके लिए साहिब नसाब होना शर्त नहीं अब्दुल्ला बिन अब्बास रदीला से रिवायत है कि रसूल सल्हसम ने सदका फितर को फर्ज करार दिया है ताकि रोज़ादार के लिए लग्व और बेहुदा अकवाल अफ़ाल से पाकिजगी हो जाए और मस्किनों को खाने को मिल जाए चुनाचे जिसने उसे नमाज ईद से पहले पहले अदा किया तो ये ऐसी ज़क़ात है जो कबूल कर ली गई और जिसने इसे नमाज के बाद अदा किया तो ये आम सदकात में से एक सदका होगा ईद के रोज मिसवाक करना गसल करना बेहतरीन लिबास पहनना और खुशबू लगाना सुनत है नमाज ईद के लिए जाने से पहले मीठी चीज़, खजूरें, खाना सुन्नत है ईद की दो रकतों से पहले और बाद में कोई नफल नमाज नहीं है नमाज ईद की अदायगी के लिए खुतिन को भी जाना चाहिए उम्मीती और से रवायत है फरमाती है कि हमें हुक्म दिया यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हम जवान कंवारी लड़कियों और पर्दा नशीन औरतों को भी दोनों ईदों के दिन नमाज के लिए लाएं और हुक्म दिया कि हेज वालिया भी मुसलमानों की नमाज की जगह से दूर रहें लेकिन आए फिर नमाज ईद से वापसी पर रास्ता तब्दील करना सुन्नत है यानी एक रास्ते से आए तो दूसरे रास्ते से वापस जाए किसी वजह से नमाज ईद न पा सकने वाले अफराद घर में दो रकत नमाज अदा कर सकते हैं और ईद के रोज मुसलमानों की बाहम मुलाकात आपस की मोहब्बत बढ़ाने का सबब बनती है साहबा कर राम इस मुलाकात में एक दूसरे को इस दुआ से इस्ताल किया करते तकबल अल्लाह मन्ना व मिन कुम और एक और जगह पर आता है कि यह भी कहा जाता था कुल्लु आमिन व अन तुम बैर और रमज़ान के बाद एक और महीना आता है जिसको शवाल का महीना कहते हैं और शवाल के जो रोज़े हैं छह रोजे अगर आपने रमज़ान के पूरे रोजे रखे और उसके बाद छः शवाल के भी रख लिए तो आप ऐसे हैं गोया आपने उम्र भर के रोजे रखे सही मुस्लिम की हदीस है कि जो शख्स रमजान के रोजे रख कर शवाल के महीने में छः रोजे रखे उसे उम्र भर के रोजों का सवाब मिलता है फिर इसी तरह से एक और जगह पर आता है सईब ने खुजैमा की हदीस है रमज़ान के रोजे दस महीने और शवाल के छ रोजे दो महीनों के बराबर हैं इस तरह ये पूरे एक साल के रोज़े हुए और ये रोज़े ईद के फ़ौर बाद या वक्फे के साथ मुसलसल या अलग अलग दोनों तरह रखे जा सकते हैं और कज़ा रोज़े अगर आप में इतनी हिम्मत है कि आप कज़ा रोज़े पहले पूरे करें और फिर आप शवाल के रखें तो ठीक है वरना आप पहले शवाल के छ नफली रख कर और बाद में कज़ा जो है वो पूरे साल में भी अदा कर सकते हैं और फिर यह है कि कज़ा और ये जो शवाल के ये छः रोज़े हैं कि जिनसे आपको पूरे साल के रोज़ों का अजर मिलेगा इन दोनों को ये डबल इंटेंशन जो है ये नहीं आप बना सकते ठीक है ये दोनों अलग चीज़ें हैं और रोज़ा जो है बहुत ही अज़ीम इबादत है अल्लाह ताला हमें तोफ़ी कता फ़रमाए कि हम रमज़ान के रोज़े रखें और गैर रमज़ान में भी रोज़ों से पूरी तरह गाफिल ना हो जाया करें सोमवार और जमेरात का रोज़ा सुन्नत है लोगों के अमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दो दिनों में रोजा रखते और फरमाते कि मैं चाहता हूँ कि जब मेरे अमाल अल्लाह के यहाँ पेश किए जाए तो मैं उस वक्त रोजे से हूँ फिर इसी तरह से हर माह के तीन रोशन अयाम अयाम बीद के रोजे चांद की तेरह चौदह और पंद्रह तारीख के उसमें भी रसुल्ल वम रोजे रखा करते थे कोई अयााम बीज में ना भी रख सके तो भी उसको चाहिए कि स्कैटर करके तीन रोजे रख लिया करे अल्लाह हमें तोफ़ीक़त फ़रमाए कि हम रमज़ान में ऐसे रोज़े रख सकें कि हमारे सारे गुनाह जो हैं पिछले वो माफ हो जाएं और हमें क्याम की तोफ़ीक़ा फ़रमाए हमें सयाम की और तिलावत क़ुरआन की तोफ़ी तरमाए हमें सदक़त और अपनी वाजिबात और ज़क़़त अदा करने की तोफ़ीक़ा फ़रमाए हमें गरीबों के साथ और मस्किनों के साथ और मोहताजों और कैदियों के साथ मुसीबत जदों के साथ हमें हमदर्दी की तोफ़ीकता फ़रमाए और हमसे ऐसे अमाल करवा ले कि जिससे वो हमसे राज़ी हो जाए और हमारी इबादत को कबूल फ़रमा ले अल्लाह ताली हमें रमजान तक पहुँचा दे और हमें रोज़ों की भी तोफ़ी अता फ़रमा दे अल्लाह सुबहान वाली से दुआ है कि अल्लाह ती सब के अमाल को कबूल फ़रमाएँ और अल्लाह तब को खैर आफ़ियत के साथ रमज़ान तक पहुँचाएँ भी रोज़े भी रखवाएँ उसकी दुआ भी कबूल फ़रमाएं हर रोज़ेदार की और अल्लाह सुबहान फितर की खुशियाँ भी अता फ़रमाएं और हर तरफ़ खैर वाफियत रखें बारक सुबहानक अल्लाहुम्मा व बारकल्लाफ़ी सुबहानल्ला बबी हमदीका अशद अलांता अस्तफ़िर का बुब असल वरम्तुल्ल वक्